हाँ जी दोस्तों, स्वागत है तुहाडा सवेर दीआं मुख खबरां दे विच। आओ लड़ीवार गल करदे आं पंजाब ते दुनिया दीआं मुख वड्डीआं खबरां दी। ते वीडियो शुरू करन तों पहलां लाइक ते शेयर जरूर कर दिओ ते साडे नाल जुड़े रहण लई चैनल नूं सबसक्राइब कर लो। तां अज दी पहली वड्डी खबर है पंजाब पुलिस दे विच वड्डा फेरबदल, 57 DSP दे होए ट्रांसफर। तां दोस्तों तुहानूं दस दईए कि पंजाब पुलिस दे विच वड्डा फेरबदल कीता गिआ। तुहानू दस दिए कि पंजाब के अंदर 57 DSP दे तबादले कर दिते गए ने। अगली खबर है भारत सरकार दे वल्लों 8 महीनों के मगरों हर तरह के वीजे बहाल। तो दोस्तों सरकार ने 8 महीनों तो बाद कुछ 94 वर्गों नू छड़ के हर प्रकार के वीजे बहाल करन दा फैसला लिया। करोना वायरस महामारी की रोकथाम दे लई देश भर दे विच लागू किए गए लॉकडाउन के चलदिआं सरकार ने हर प्रकार के वीजे नूं मुलतवी कर दिता है। गृह मंत्रालय ने इस बारे ऐलान करदिआं कहा कि इलैक्ट्रॉनिक वीजा, टूरिस्ट वीजा ते मैडिकल वीजा नूं छड्ड के बाकी सारे वीजा नूं तुरंत बहाल किया जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार पाबंदी सुधा वर्गों नूं छड्ड के भारत के विदेशी नागरिकां ते भारतीय मूल के व्यक्तियों कार्ड रखण वाले सारे व्यक्तियों समेत सारे विदेशी नागरिक हुण किसी भी उद्देश नाल भारत की यात्रा कर सकते हैं। अगली खबर है पंजाब दे विच दूजे सूबियां तो झोने दे ट्रकां दी लगातार हो रही है एंट्री, पुलिस कर रही है कार्रवाई। तो दोस्तों तुहानू दस दईए कि इन्नी दिनी सूबे दे विच लगातार बिहार, राजस्थान ते यूपी तो झोने दे ट्रकां दा आउणा जारी है, जिन्हां नू लगातार धरने ते बैठे किसानां दे वल्लों काबू भी किया जा रहा है। दस दईए कि इसे कड़ी दे विच हुण समराला टोल टैक्स ते बैठे किसानां ने झोने के 5 वड्डे ट्रालिया नूं टोल टैक्स तो शहर के अंदर दाखिल होंदे समय रोकिया। इस तो किसानों वालों पुलिस मार्केट कमेटी समराला के हवाले कर दिता गया। उधर मौके पर पुजे मार्केट कमेटी के सकत्तर ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। अगली खबर है केंद्र तो बागी होण लगियां राज सरकारां, हुण महाराष्ट्र ने की वड्डी कार्रवाई। तो दोस्तों महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय ने सर्कूलर जारी करके एक नियम अधीन CBI नूं महाराष्ट्र दे विच दित्ती गई जांच की आम प्रवानगी वापस लै ली है। हुण जे CBI जे इस सूबे विच किसी भी मामले की जांच करनी होवेगी तो उसनूं राज सरकार तो विशेष इजाजत लैनी होवेगी। महाराष्ट्र सरकार वल्लों लिया गया यह फैसला केंद्र अते राज सरकारां विचाले लड़ाई की उस लड़ी का हिस्सा है जो बीते कई सालों तो चली आ रही है। अगली खबर है ATM दे विच्चों रकम कढ़वाउण ते बदल गए नियम, नवी शर्तां ते पै सकदी है महंगाई। तो दोस्तों ATM दे विच्चों 5,000 रुपए तो वध दी रकम कढ़ाउण उत्ते नेड़ भविख विच कुछ वाधू फीस देनी पै सकदी है। देश दे केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस बारे विचार कर रही है। मीडिया रिपोर्टां दे मुताबक अजिहा 5 मुफ्त ट्रांजैक्शनां दे विच शामिल नहीं होवेगा। इह हन बिना किसी फीस ATM चों पैसे कढ़वाउण दे नियम। तुहानू दस दईए कि 5,000 रुपए तो वध पैसे कढ़वाउण ते लग सकदी है 24 रुपए की फीस। RBI क्यों लैना चाहुंदी है यह फीस? तुहानू दस दईए कि RBI चाहुंदा है कि गाहक वध तो वध लैण देण ऑनलाइन करन। ATM की वरतों लोग केवल 5,000 पैसे जमा करवाउण जां कढ़वाउण विच ही कर सकते हैं। इस दे नाल ही RBI वड्डे शहरां विच ATM की गिनती घटा के 10 लाख तो घट की वादी वाले छोटे शहरां विच ATM की वरतों वधाउणा चाहुंदी है। अगली खबर है पंजाब बोर्ड ने 10वीं ते 12वीं क्लास दीआं कंपार्टमेंट प्रीख्यावां दा एडमिट कार्ड किया रिलीज़। तो दोस्तों तुहानू दस दईए कि पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड ने 10वीं ते 12वीं जमात दे लई कंपार्टमेंट प्रीख्यावां 2020 दा एडमिट कार्ड अधिकारित वैबसाइट पर जारी कर दिता है। जिहड़े कैंडीडेट इस बार पंजाब बोर्ड की कंपार्टमेंट प्रीख्या विच बैठ रहे ने उह एडमिट कार्ड सरकारी वैबसाइट तो डाउनलोड कर सकते हैं। अगली खबर है प्याज दीआं कीमतां नूं रोकण दे लई सरकार ने चुकिया सख्त कदम। तो दोस्तों तुहानू दस दईए कि प्याज दीआं कीमतां विच लगातार वाधा हो रहा है। देश दे वख-वख हिस्सों दे विच मौजूदा सब्जियां दे बाजारां विच प्याज दीआं वधियां कीमतां करके आम आदमी नूं इक वार फिर तो रलाउण दी तैयारी कर ली है। अजिही स्थिति दे विच प्याज दीआं वाधियां कीमतां दे मद्देनज़र सरकार हरकत विच आई है। सरकार ने घरेलू बाजार विच प्याज की सप्लाई विच सुधार करन अते कीमतां नूं रोकण दे लई 15 दिसंबर तक दरामद नियमां विच ढिल देण दा फैसला कीता। अगली खबर है
देश विच करोना दे 55,839 नवे केस, लगातार चौथे दिन नवे मरीज 60,000 तो घट आए। तो दोस्तों भारत दे विच कोविड-19 दे रोज़ नवे केसां दी गिनती लगातार चौथे दिन 60,000 तो हेठा रही है। केंद्रीय सेहत मंत्रालय वालों सवेरे 8 बजे अपडेट के अनुसार 24 घंटिया के दौरान 55,839 नवे केस सामने आए हैं। इस तरह देश विच करोना मरीजों की कुल गिनती 77,06,946 तक पहुँच चुकी है, जबकि 700 होर मौतों के कारण देश विच मौतों की करोना करके होने वाली मौतें 1,16,616 तक पहुँच गई ने। अगली खबर है, पंजाब विच दुध का काला धंधा, नैस्ले ने बड़े दुध उत्पादक काली सूची विच पाए। तो दोस्तों पिंडां दे विच दुधारू पशुओं की गिनती बहुत घट चुकी है, पर हर रोज़ शहरां विच सप्लाई हो रहे कई क्विंटल दुध ते सेहत विभाग भी चुप, सवालां दे घेरे विच है। सहायक फूड सेफ्टी अफसर डॉक्टर जतेंद्र सिंह बिरक ने कहा कि इत्थे दुध डेयरियां ते मिठाइयां दीआं दुकानां तो उत्पादां दी गुणवत्ता परखण दे लई त्यौहारां दे मद्देनज़र नमूने लैके जांच लई भेजे जा रहे ने। स्थानक बहुमंतवी नैस्ले फैक्टरी अधिकारी ने दस्सिया कि पंजाब विच नकली दुध भी गंभीर समस्या है। फैक्टरी दी उत्पादक दे घरां विच जाके दुधारू पशुआं दी पड़ताल दौरान दुध करीब 30 लीटर सी, पर उत्थों रोज़ 80 तो 100 लीटर दुध की आमद हुंदी सी। अगली खबर है, कोले की घाट कारण बनावाला थर्मल बंद। तो दोस्तों कोला खत्म होने कारण पिंड बनावाला विच लग्या तापघर तलवंडी साबो पावर लिमिटेड बीती रात बंद हो गया। यह थर्मल 1980 मैगावाट की समर्था रखता सी। संघर्षशील किसानों ने 1 अक्तूबर तो रेलां रोकिया हुई ने, ते उदों तो ही थर्मल विच कोला पुजन रुक गया। इस कारण पहला 2 यूनिटा बंद हुई ते हुण बीती रात 3री यूनिट भी बंद हो गई है। अगली खबर है, मकान करजिया 0.25% की छूट ते देवेगा SBI। तो दोस्तों SBI ने गाहकों मकान करजिया उपर ब्याज दर 0.25% की रियायत का ऐलान किया है। देश के सब तो बड़े बैंक SBI वालों गाहकों उन्होंने सबल स्कोर के आधार पर जोनो राही अर्जी देने 75 लाख रुपए के बद मकान करजे के 0.25% की छूट दी जाएगी। अगली खबर है, जगतजीत इंडस्ट्री ने 4 कौमी अवार्ड जीते। तो दोस्तों तुहानू दस दिए कि पंजाब की खेतीबाड़ी इंडस्ट्री जगतजीत ग्रुप चीमा मंडी के CEO हरमीत सिंह ने दसिया कि हुणे नैशनल पद्धर उत्ते उन्होंने खेतीबाड़ी इंडस्ट्री जगतजीत ग्रुप चीमा 4 नैशनल अवार्ड प्राप्त हुए हैं। उन्होंने दसिया कि CMO एशिया वालों ऑनलाइन इवेंट करवाया गया सी, जिस दे विच भारत दी नामवर कंपनियां ने हिस्सा लिया। इस दौरान जगतजीत ग्रुप नू 4 अवेस्ट अवार्ड विच MD यूथ अचीवर अते बेस्ट CSR अते रीपब्लिसिटी रूरल डिवेलपमेंट बेस्ट इमरजिंग ब्रांड अवार्ड दे बेस्ट CEO ऑफ द ईयर दिते गए। अगली खबर है, अज पंजाब दे विच करोना दे 617 नवे मरीज अते 12 हुई मौतां। तो दोस्तों अज पंजाब दे विच 617 नवे मरीज रिपोर्ट किए गए ने। करोना कारण पंजाब विच हुण तक 1,29,693 लोग पॉजिटिव पाए गए ने, जिन्हां दे विचों 1,21,155 मरीज़ ठीक हो चुके ने, ते बाकी 4,466 मरीज़ इलाज अधीन ने। तो अज 935 मरीज़ ठीक होकर घर भी परते ने, ते पीड़ित 103 मरीज़ ऑक्सीजन अते 47 मरीज़ जिन्हां दी हालत गंभीर है नू वेंटीलेटर दे सहारे रख्या गया। अगली खबर है, किसान यूनियन दे धरने चों परत रहे बजुर्ग किसान दी सड़क हादसे दे विच हुई मौत। तो दोस्तों तुहानू दस दिए कि बीते दिनी किसान यूनियन वालों टोल प्लाजा माझी दे जा रहे धरने ते शामिल होकर घर नूं परत रहे बजुर्ग किसान की सड़क हादसे में मौत हो गई है। इस संबंधी पुलिस ने मामला दर्ज करके कार्रवाई भी शुरू कर दी है। अगली खबर है, केंद्र सरकार किसानों के लिए लिया रही है नवी स्कीम, मिलेंगे 5,000 रुपए। तो दोस्तों तुहानू दस दिए कि मोदी सरकार किसानों नूं एक होर खुशखबरी देने जा रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपए की सहायता तो इलावा 5,000 रुपए देने की तैयारी में है। यह पैसा खाद के लिए उपलब्ध होगा, क्योंकि बड़िया खाद कंपनियों सबसिडी देने की बजाय सरकार सीधे तौर पर किसानों के हाथों लाभ देना चाहती है।
खेतीबाड़ी लागत ते मुल कमिशन दे केंद्र सरकार नूं सिफारिश की है कि वह किसानों नूं सीधे तौर पर 5,000 रुपए सालाना की खाद सबसिडी वालों नकद पैसे देन। कमिशन चाहता है कि किसानों नूं 2 किस्तों में 2,500 रुपए का भुगतान किया जाए। पहली किस्त सौनी की फसल देन दे शुरू होने तो पहला अते दूसरी हाड़ी की शुरू होने दे वेले दित्ती जाए। तो दोस्तों ये अज सवेर दियां मुख ते ताज़ा खबरां। तुसी वीडियो नूं अपने दोस्तों मित्रां नाल अगे शेयर जरूर कर दिया करो ते साडे नाल जुड़े रहने लई चैनल नूं सबसक्राइब कर लो ते नाल बने बैल नूं भी दबा दिओ जिस नाल तुहानूं इसे तरह दियां आउण वालियां नवीं ते ताज़ा खबरां दा सब तो पहला पता लगता रहूगा। तो इस वीडियो दे विच इन्ना ही, मिलदे आ किसे नैक्सट वीडियो दे विच। तद तक लई धन्नवाद।